देश के लिए काम करने का परिवार, देश के लिए जब तक देश में आजादी का प्रोग्राम चला, बाद में भी अभी तक ये लोगों ने, इसका परिवार ने पूरा पूरी कांग्रेस का साथ थे और करते भी रहा दिल से जान से। मेरे को पता है 1983 साल में जब AICC कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में, तब मैंने कमलापति त्रिपाठी को देखभाल करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, तो मेरे के साथ उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया था तब, लेकिन तब भी मेरे को देखने का मौका मिला। आज मैं आनंद के साथ, खुशखबरी के साथ आप लोगों को अनाउंस करने चाहती हूँ कि राजेशपति त्रिपाठी, फॉर्मर MLC मेंबर, AICC मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने दीर्घ दिन तक उत्तर प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर का काम किया, राजेश जी बहुत सीनियर है और कमलापति त्रिपाठी का ग्रैंडसन है, उन्होंने आज हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का साथ ज्वाइन किया है, और एक ग्रैंडसन का बेटा ललितेश पति त्रिपाठी, फॉर्मर MLA वाइस प्रेसिडेंट UPCC, उन्होंने भी हमारा साथ ज्वाइन किया है। मैं ये लोगों का आभारी हूँ और ज्वाइन करने का साथ साथ ये लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट भी किया कि मैं वाराणसी में जाए और उधर में विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे और गंगा का जो प्रदीप का दीप का जो आरती होता है दिया का, उसमें हम जाए। कितना मुश्किल काम है, नेतृत्व हमारे पास हो, हमारे पास अगर ममता दीदी जैसा नेतृत्व होगा तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश में बहुत गहरी थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पे कार्यकर्ताओं से नेताओं की दूरियां बढ़ती चली गई और कांग्रेस कमजोर उठा वो। हमारे जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जब भटकने लगे तो लोग हमसे दूर होते चले गए। आज समय ये है कि जिस विचारधारा पे हमारा विश्वास था, जो गांधी की विचारधारा थी, जो नेहरू की विचारधारा थी, जिस विचारधारा पे हम सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज ममता दीदी वही विचारधारा लेके उत्तर प्रदेश में हम सबका नेतृत्व करने आ रही है। और मुझे नहीं लगता है, कठिन काम है, मेहनत का काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत दूर का काम है, ये काम होगा और बहुत मजबूती से होगा। सर, कांग्रेस से अच्छा रिजल्ट क्या तृणमूल कांग्रेस कर पाएगी यूपी में अगर ऐसा होता है? दादा माइक थोड़ा सामने ले लीजिए। माइक देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, हम राजनीति में हैं, राजनीति में जनता का सेवा करना हमारा काम, हम जनता के बीच जाकर तृणमूल कांग्रेस का संदेश, गांधी का संदेश, जवाहरलाल जी का संदेश, ये सब हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे, इंदिरा जी का संदेश जनता के बीच में पहुंचाएंगे, ममता जी का जो सर्वधर्म संभाव का जो संदेश है वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, वहाँ पे आज एक ऐसी ताकत उत्तर प्रदेश के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, उस ताकत से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन ममता जी ने जब पहली बार यहाँ पे कम्युनिस्ट को हराया था तो कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई हरा सकता है, तो उसी विश्वास को लेकर हम इनको आगे खड़ा करके वहाँ पे भी हम अपनी ताकत बनाएंगे। सर, दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा।